पिछले वीडियो में हमने देखा कि गोपद्म किस प्रकार निकाले जाए और उसके कुछ अलग अलग प्रकार भी हमने उस वीडियो में देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्परेशा या पट्टा किस प्रकार निकाले जा सकता है। तो आइए देखेंगे कि सर्परेशा किस प्रकार निकाले। आज का अभी जो भी वीडियो हमने देखा था वो सभी वीडियो में हमने बताया कि आपको दो उंगलियों के बीच में से ही आपकी रंगोली नीचे आनी चाहिए और वहाँ पर आपको उंगली रखनी है, आपको आपकी वहाँ पर अंगूठा वहाँ पर रखना है और वहाँ से स्टॉप करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसमें हमने बहुत बारीक से सभी चीज़ें बताए हैं और हर एक चिन्ह पे हमने वहाँ पर डिटेल बता दिया है। तो इस वीडियो में जो हमें देख करना है वो आपके सभी उंगली जो है वो एक समान चाहिए। अंगूठा चाहिए तो आप पीछे या फिर आगे भी रख सकते हो, नॉर्मली लोग यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ से हम सिर्फ रंगोली इकट्ठा करके सिर्फ रंगोली यहाँ से आगे से छोड़ेंगे। निकालने के लिए कोई भी चीज़ निकालने के लिए एक स्ट्रेट लाइन आने की ज़रूरी है। अगर वो ठीक से आता है तो आपका हाथ ऊपर नीचे नहीं होगा। सरप्रेशा निकालने के लिए आपको पहले ये चार या पांच लाइन आना चाहिए। प्रैक्टिस करते वक्त बहुत बार ऐसे ही होता है कि हमारा जो हाथ है वो दो या तीन ही ऐसे आगे आते हैं, बाकी के उंगली ऊपर नीचे होते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ जो भी आपके हाथ है वो इकट्ठा ही रखना है और जो रंगोली आएंगी वो गिरते वक्त यहाँ से एक, ये दो, ये तीन, चार और ये पांच। अगर आपकी रंगोली खत्म हो रही है तो आपको आपका हाथ सिर्फ आगे की तरफ थोड़ा खींचना है। जैसे आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा अगर मैं आगे लेता हूँ तो आप जो भी रंगोली है वो रंगोली सभी जगहों से आ रही है। अगर रंगोली ऊपर से नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि हम पहले ही कुछ एक लाइन ड्रॉ करके ले रहे हैं। तो आइए फिर एक बार देखेंगे। बस आराम से मैंने नीचे हाथ लिया है और हल्के हाथों से यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपकी रंगोली यहाँ पर ख़त्म होती है तो ज़्यादा आगे मत जाइए, बस इतना ही अगर आप निकालते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे फिर से ज्वाइन करने के लिए थोड़ा सा आगे जाइए और फिर से आप निकाल सकते हो। निकालने के लिए सिर्फ आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। पीछे जाने का बस एक ही कारण होता है, बहुत लोगों को पूरा पट्टा आने के बाद भी उनको जॉइंट में तकलीफ होती है, तो जॉइंट तकलीफ आगे जाकर ना हो इसीलिए हम थोड़ा पीछे जाकर बस उसी के ऊपर थोड़ा हाथ रख कर और आराम से हल्के हाथों से फिर आगे फिर से जो भी है रंगोली वहाँ पर छोड़ेंगे। ये होने के बाद ये आपको जब तक आपकी जो चार या पांच लाइन ठीक तरह से नहीं दिखे तब तक आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है और आगे जाके आपको आपकी जो उंगली है वो आपको सिर्फ राउंड शेप में से आपको टर्न करना है। अगर आपकी रंगोली यहाँ पर खत्म होती है तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, फिर से आगे जाके आप थोड़ा पीछे जाके स्टार्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने देख आप देख पा रहे हो कि मैंने सिर्फ मेरा जो हाथ है ये हाफ राउंड के जैसे ही कर रहा हूं मैं। बस इस तरह अगर आपका ठीक से आ रहा है तो आप पूरा पट्टाने के लिए पूरा सर परेशाने के लिए कुछ आपको दिक्कत नहीं हो सकती। ऊपर की लाइन अगर आपकी नहीं आ रही है जैसे मैंने भी ज़्यादा नहीं निकाली है तो आप हल्के हाथों से या फिर उसको ज़्यादा बॉर्डर दे सकते हो। तो ये आपका पट्टा यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस पट्टे के कुछ भी अलग अलग भी बहुत ज़्यादा प्रकार है, वो हम अगले एपिसोड में ज़रूर देखेंगे। हमने इस वीडियो में देखा कि पट्टा किस प्रकार निकाला जाए, पट्टा निकालने के लिए आपकी उंगलियों की पोजिशन या फिर आपके हाथ की पोजिशन कैसा होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ अलग अलग प्रकार पट्टों के हैं, वो पट्टे किस प्रकार निकाला जा सकते हैं वो देखेंगे।